गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे टॉपिक इज अबाउट डिस्कस रोल ऑफ एंजाइम इन प्लांट डिजीज डेवलपमेंट आर ओ आर पैथोजेनेसिस। आज हम एंजाइम का योगदान डिजीज को डेवलपमेंट होने में कितना योगदान देता है, कल के वीडियो में हम टॉपिक पढ़ा चुके थे। आज का जो न्यू वीडियो है रोल ऑफ एंजाइम इन प्लांट डिजीज डेवलपमेंट आर ओ आर पैथोजेनेसिस। राइट, पैथोजेनेसिस, व्हाट इज पैथोजेनेसिस? देखिए, पैथोजेनेसिस टर्म इज ए मेड ऑफ ग्रीक वर्ड। जो पैथोजेनेसिस टर्म है, पैथोजेनेसिस में ही सब कुछ आता है, डिजीज डेवलपमेंट टोटल आता है। तो जो पैथोजेनेसिस टर्म है, पैथोजेनेसिस टर्म इज ए ग्रीक वर्ड। पैथोज इज इक्वल टू प्लांट या डिजीज एंड जेनेसिस मतलब क्रिएशन। पौधे के ऊपर जब डिजीज का क्रिएशन होता है या डिजीज का इन्फेक्शन होता है, पैथोज इज इक्वल टू प्लांट भी। और प्लांट किसके ऊपर होता है? डिजीज के ऊपर होता है। इसको हम प्लांट भी कर सकते हैं, प्लांट प्लस डिजीज। जो डिजीज होता है प्लांट के ऊपर आता है, और जेनेसिस मींस क्रिएशन, उसके ऊपर डिजीज का आना ही पैथोजेनेसिस कहलाता है। राइट, द टर्म पैथोजेनेसिस मींस स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज फ्रॉम द इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन ए पैथोजन एंड होस्ट। पैथोजेनेसिस उसे कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप डिजीज का डेवलपमेंट हो प्लांट के ऊपर, ऑल्सो कॉल्ड इज पैथोजेनेसिस। स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज ऑन दी होस्ट प्लांट बाय पैथोजन, इट इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। जैसे कोई स्पोर कहीं से उड़ता हुआ आया और इस लीफ के ऊपर, मान लीजिए इस लीफ के ऊपर बैठ गया। इसे जब लीफ के ऊपर बैठेगा तो इसे कंटेक्ट करेगा, तो इसमें दो कंडीशन हो गए, एक होस्ट हो गया और दूसरा क्या होगा? पैथोजन। होस्ट मीन्स कि प्रोवाइडेड ए मटेरियल शेल्टर एंड नरिशमेंट, इट इज कॉल्ड होस्ट। जो भोजन को प्राप्त कराए उसी को क्या कहते हैं? हम होस्ट कहते हैं। और पैथोजन काजेज ए डिजीज या एंटिटीज काजेज ए डिजीज। जो डिजीज को काज करे उसी को हम पैथोजन कहते हैं, जिसमें फंगस में माइसिलियम, क्लेमाइडोस्पोर, स्पोर, जू स्पोर कुछ भी हो सकता है। राइट, तो पैथोजन एंड होस्ट के बीच में हो गया। अब पैथोजेनेसिस में क्या क्या आता है, क्या क्या हम देखिए टर्म अध्ययन करते हैं। पैथोजेनेसिस मींस जैसे टॉक्सिन, एंजाइम, ग्रोथ रेगुलेटर, मेपाग्जिन, जिब्रेलिन एंड इथाइलिन, इतने टर्म मिलकर डिजीज को डेवलपमेंट करते हैं, डिजीज का विकास करते हैं। जैसे डिजीज जब आती है प्लांट के ऊपर, तो ये नहीं कि डायरेक्ट इन्फेक्शन हो जाए, वो प्लांट जो होते हैं वो फाइटोटॉक्सिन छोड़ते हैं, जबकि स्पोर टॉक्सिन छोड़ते हैं। दोनों ही प्रकार का द्वंद होता है, युद्ध होता है। अगर फाइटोटॉक्सिन मजबूत हुआ तो स्पोर उसके ऊपर रह के भी डिजीज का विकास नहीं कर पाते, पड़े रहते हैं, कुछ समय बाद उड़ जाएंगे। इफ अगर पैथोटॉक्सिन कमजोर हुआ, टॉक्सिन मजबूत हो जाएगा, तो सिम्टम बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जितने दूर टॉक्सिन फैलेगा उतना दिन क्लोरोफिल, उतना दूर क्लोरोफिल डेड कर जाएगा और पत्ती धीरे धीरे ड्राई दिखाई देने लगेगी। तो पैथोजेनेसिस में कई स्टेप आते हैं, जिसमें फर्स्ट है टॉक्सिन, एंजाइम, ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर में ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड इथाइलिन, ये सब रोल एक प्रकार का योगदान देते हैं डिजीज के डेवलपमेंट में, जिसमें कल हम पिछले वीडियो में टॉक्सिन पढ़ा चुके हैं। राइट, आज का जो न्यू वीडियो है एंजाइम पे चर्चा करते हैं। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम क्या है? एंजाइम डेफिनेशन हमने देखिए लिखा है कि ए प्रोटीनेसियस मटेरियल कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग ए बायोकेमिकल प्रोसेस। ए प्रकार का ये मटेरियल जो बायोकेमिकल प्रोसेस में घुल जाता है उसको हम एंजाइम भी कहते हैं, उसी को हमने लिखा भी यहां कि प्रोटीनेसियस मटेरियल कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग ए बायोकेमिकल प्रोसेस। अब टाइप ऑफ एंजाइम क्या होता है? एंजाइम के बाद एंजाइम में देखिए, एंजाइम्स आर ऑफ्टन सीक्रेटेड बाय द पैथोजन। जो एंजाइम होता है, पैथोजन जब अटैक करता है होस्ट के ऊपर, तो धीरे धीरे एंजाइम सीक्रेट होने लगता है, फैलने लगता है। फंजाई, निमेटोड्स एंड बैक्टीरिया आर नोन टू प्रोड्यूस वन आर मोर एबव एंजाइम इन स्पेसिफिक पैथोजन होस्ट कॉम्बिनेशन। आपने देखा कि एंजाइम अधिकतर सीक्रेट होता है फंजाई इन्फेक्शन करेगा तब, बैक्टीरिया इन्फेक्शन करेगा तब, और निमेटोड का इन्फेक्शन। ये तीनों अगर इन्फेक्शन करने लगते हैं तो एंजाइम का सीक्रेशन शुरू हो जाता है। बट वायरस एंड वायराइड्स आर जनरली नॉट कंसिडर्ड टू सीक्रेट एंजाइम।
वायरस और वायराइड्स जितने भी ये हैं, ये एंजाइम का सीक्रेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप देखते होंगे कि जो वायरस का इन्फेक्शन होता है उसमें पत्तियां क्रिंकल बन जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, डिसकलर्ड हो जाती हैं, तो वो एंजाइम का सीक्रेशन उसमें नहीं हो पाता है। एंजाइम का सीक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एक नंबर क्वेश्चन पूछता है कि एंजाइम आर सीक्रेटेड वायरस एंड वायराइड्स, तो नो, वे वायरस और वायराइड एंजाइम का सीक्रेट नहीं करते हैं। बट कौन से करते हैं? फंजाई करता है, बैक्टीरिया करता है एंड निमेटोड्स। उसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि एंजाइम आर ऑफ्टन सीक्रेटेड बाय द पैथोजन ऑर्गेनिज्म फंजाई निमेटोड्स एंड बैक्टीरिया आल आर आल नोन टू प्रोड्यूस वन आर मोर ऑफ एबव एंजाइम इन स्पेसिफिक पैथोजन होस्ट कॉम्बिनेशन। ये सब फंजाई बैक्टीरिया निमेटोड्स एक या एक से ज़्यादा प्रकार के एंजाइम को ये सीक्रेट करते रहते हैं, जिससे डिजीज का विकास होता रहता है, राइट। वायरस और वायराइड्स कभी भी एंजाइम का सीक्रेशन या एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, राइट। अब टाइप ऑफ एंजाइम, एंजाइम कितने प्रकार का होता है? देखिए एंजाइम आ रहे फोर टाइप। एंजाइम भी कई तरह के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है क्यूटिनेसस एंजाइम, सेलुलेसस एंजाइम, पेक्टिनेसस एंजाइम एंड लिग्निनेसस एंजाइम। ये जो एंजाइम होते हैं चार तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? क्यूटिनेसस, सेलुलेसस, पेक्टिनेसस और लिग्निनेसस। तो बच्चों आज जो टॉपिक है वो एंजाइम से संबंधित है कि एंजाइम का प्लांट डिजीज में क्या योगदान है और एंजाइम टॉक्सिन ग्रोथ रेगुलेटर ये सब कॉम्बिनेशन मटेरियल जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस कहते हैं। पैथोजेनेसिस मीन्स स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज। जैसे आपको पहले वीडियो में बता दिया गया था कि डिजीज का जो डेवलपमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप होता है और उसमें सात स्टेप होते हैं। पहला होता है इनाकुलेशन, दूसरा पेनिट्रेशन, तीसरा इन्फेक्शन, चौथा इन्वेजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल एंड डिसिमिनेशन। इतनी स्टेप में डिजीज का डेवलपमेंट होता है। अब डिजीज का डेवलपमेंट होने के लिए तीन चीज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट होना चाहिए होस्ट, दूसरा होना चाहिए पैथोजन और तीसरा होना चाहिए इन्वायरमेंट। ये तीन चीज अधिकतर अगर होंगे तभी डिजीज का डेवलपमेंट होगा। जैसे वो पिछले वीडियो में आपके बारे में होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया गया है। इसको हम आल्सो कॉल्ड डिजीज ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो बच्चों आगे जो टॉपिक है एंजाइम इन रोल ऑफ एंजाइम इन प्लांट डिजीज डेवलपमेंट आर पैथोजेनेसिस। आप वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।